हाय हेलो, कैसे हो? आज मैं कोई एनर्जाइजर नहीं लाई हूँ आपके लिए। आज हम बात करेंगे इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं फोनिक साउंड्स एट होम एट स्कूल। हम क्या करते हैं, एबीसीडी बच्चों को पढ़ा देते हैं और उसके बाद लिखाना भी सिखा देते हैं। हम जब फोनिक साउंड की बारी आती है तभी भी वही करते हैं, ए से शुरू करते हैं और जेड पे खत्म कर देते हैं। पर ये नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। ये जो ए का शुरू करते हैं, ए का साउंड, ये क्या होता है, हार्ड साउंड्स बोलते हैं। ये हार्ड होते हैं बच्चों के लिए, हार्ड साउंड्स है। और इसमें ये जो लेटर्स हैं, इनमें से हमारा सॉफ्ट साउंड्स भी है। पहले सॉफ्ट साउंड सिखाएंगे, फिर हम जाएंगे हार्ड साउंड पे। हार्ड साउंड बोलना इजी होता है। देखिए हम क्या करते हैं, जब हम सिखाते हैं तो ए से शुरू कर देते हैं, ए साउंड्स ये हम सिखा देते हैं। पर ए का नहीं होगा, शुरुआत होगा एस से। एस हमारा सॉफ्ट साउंड है, एफ हमारा सॉफ्ट साउंड है। हम सॉफ्ट साउंड से शुरू करते हैं और बहुत सारे हैं सॉफ्ट साउंड, और दो चार हैं पर मैंने मेंशन नहीं किया है। एस होता है हमारा सॉफ्ट साउंड। बच्चों को कैसे सिखाएं, एस बुक में रहता है, HISS स्नेक, हिसेस हिस हिस हिस। हम ह का साउंड निकाल देते हैं, ये ह का साउंड नहीं होगा, स्टॉप दैट ह साउंड, बस ह साउंड हम बंद कर देंगे। फिर ये साउंड आएगा, एस साउंड शिप, एस साउंड स्नेक। फिर आता है एफ साउंड, ये भी सॉफ्ट साउंड है। एफ साउंड कैसे करेंगे, दो दो लिप्स में हमारा हवा बाहर को आएगा। F sounds fish, F sounds flowers, F sounds food। S कैसे होता है, हमारा टीथ पास आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और टंग के ऊपर से हमारा एयर बाहर आएगा, हवा बाहर आएगा। और एफ जब हम बोलते हैं तब क्या होता है, ये बच्चों को जरूरत नहीं है, ये हम लोगों के लिए जरूरत है। हम ऐसे साउंड बनाएंगे, बच्चे खुद बना लेंगे। और एफ का साउंड जो होता है वो भी बहुत इजी होता है। हाँ, ये मूवमेंट्स, ये तो आप लोगों को पता है, आप लोग वॉच करते रहोगे, करते रहते होगे फोनिक साउंड्स। पर इंट्रोडक्शन जब हम करते हैं, हम जितने वीडियोस देखे हैं उनमें शुरू ये से हो जाता है। पर सॉफ्ट साउंड पहले पढ़ाते हैं, फिर हम हार्ड साउंड पे जाते हैं। सॉफ्ट साउंड सिखा लीजिए, आप वीडियोस देखिए, सर्च कीजिए, उसमें एस और एफ का सिखाइए। और एच का भी इजी है, उनको हा वो सिखाना भी इजी है एच का। ऐसे सब सिखाने के बाद आप चलना ऊपर की तरफ। और राइटिंग में हम क्या सिखाएंगे बच्चों को, शुरुआत, बच्चों को कुछ नहीं आता, हम राइटिंग में क्या सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब सिखा देते हैं। एबीसीडी फिर हम चले जाते हैं एबीसीडी के, यहाँ पर नहीं जाएंगे हम एबीसीडी के ऊपर। हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे स्टैंडिंग लाइन के साथ जो होता है। कौन सा होता है स्टैंडिंग लाइन के साथ, हम कभी कभी क्या करते हैं, आई का कर देते हैं, आई का कर देते हैं। आई गलत है, आई नहीं होगा, यहाँ पर एल होगा। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन हम बच्चों को पहले से सिखा देते हैं, ये वाला स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन जब सिखाते हैं तो हम लेटर इंट्रोड्यूस करते हैं एल का। एल के बाद धीरे 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 हम अदर वर्ड्स, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, और सबसे लास्ट में यहाँ पर जेड भी आ जाता है, सब यहाँ पर आ जाता है। सबसे लास्ट में हमारा जैसे बी आता है, सी आता है, फिर जी आता है, ये सब हमारा बहुत बाद में आता है। हम जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं राइटिंग का, आप अगर घर पे भी करवा सकते हो, अगर स्कूल में नहीं होता, आफ्टर दिस लाइंस, कर्व्स, जिगजैग लाइंस, अपवर्ड लूप्स, ये सब होने के बाद अगर एबीसीडी शुरू हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है बच्चों को। हम जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये सब लाइंस का, तभी से हम ये शुरू कर देंगे तो बच्चों को इजी रहेगा। स्टैंडिंग लाइन में एल होता है, व्हाट इज द साउंड ऑफ एल, ये भी पढ़ा सकते हैं उस टाइम को। थैंक यू, बस इतना ही था। थैंक यू।